नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरा लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग के। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेसिक कॉमन पैटर्न्स की, जो जिससे आप कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का एग्जांपल होगा तो बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड कोडिंग इज रिटन एज और कोडेड एज DPEJOH, देन वॉट इज द कोड फॉर स्क्वायर। कोई भी आपको वर्ड दे देते हैं उसकी कोड बनाओ, ऐसा बोल देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये कोडिंग वर्ड है और बोला गया है कि कोई कोड लैंग्वेज में उसको लिखा जा रहा है कुछ इस तरह से, तो आपको इसके लेटर बाय लेटर उसके नीचे उसकी कोड लिख देनी है, इस वर्ड के नीचे उसकी कोड लिख देनी है। और सबसे पहला अप्रोच है पहले अल्फ़ाबेट से पहले अल्फ़ाबेट का चेकिंग करना कि सी का कन्वर्जन डी में हो रहा है, मतलब एक का अल्फ़ाबेट आगे बढ़ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अल्फ़ाबेट पता होंगे, ऑर्डर के साथ लर्न हो चुके होंगे। अगर किसी को कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मेरे ये अल्फ़ाबेट की शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो पहले ज़रूर देखा है। सी 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है और 3 से 4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ प्लस 1 ऑर्डर हो रहा है, एक प्लेस अहेड जा रहा है। सेकंड अल्फ़ाबेट टू सेकंड अल्फ़ाबेट मैच करूँ तो ओ क्या बन रहा है, पी। ओ पी कब बनेगा, ओ का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, पी। सो ओ पी के लिए भी अगेन प्लस 1 लॉजिक है। डी ई के लिए, डी 4 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे है, तो इसको भी मैं प्लस 1 बोलूँगा क्योंकि एक स्टेप वो आगे बढ़ रहा है। आई जे बन रहा है, आई जे कब बनेगा, आई 9 नंबर पे है और जे 10 नंबर पे है, तो ये भी प्लस 1 है। एन ओ बन रहा है, एन ओ कब बनेगा, एन 14 पे है, ओ 15 पे है, तो ये भी प्लस 1 मैं कंसिडर करूँगा। और आई एच बन रहा है, सॉरी जी एच बन रहा है, जी 7 नंबर पे है और एच 8 नंबर पे है, तो इसको भी मैं प्लस 1 ही कंसिडर करूँगा। सो मेरे ख्याल से मुझे लॉजिक मिल चुका है, सारे अल्फ़ाबेट पे एक ऑर्डर आगे ले जाने का लॉजिक है। तो मुझे जो वर्ड दिया गया होगा उस पर भी मुझे सेम लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बड़ा ही आसान है। तो ये सबसे पहला पैटर्न है कि आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट टू फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखना है। अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने प्लस 1 का ऑर्डर दिखाया है, वो लॉजिक हर जगह नहीं होगा, मतलब कभी कभी प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 या प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 1 माइनस 10, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है कि 4 5 3 2 1 0, सही है ना, या तो फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं। सो मैं सारे के लिए तो ऑर्डर नहीं दिखाऊंगा, बट पहला अप्रोच क्या है, पहले अल्फ़ाबेट का पहले अल्फ़ाबेट से चेकिंग किया जाए। मान लो कि अगर लॉजिक पहले अल्फ़ाबेट से पहले अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहा हो तो पैटर्न दूसरी चेक करने की, जैसे कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्कल इज रिटन एज दिस देन वॉट इज द कोड फॉर अनदर। मान लो कि अगर हमारी फर्स्ट अल्फ़ाबेट टू फर्स्ट अल्फ़ाबेट पैटर्न मैच ना करे, मतलब उससे आंसर ना मिले, तो हमें देखना है फर्स्ट टू लास्ट अल्फ़ाबेट क्या हो रहा है। सी सी एज इट इज कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। सेकेंड अल्फ़ाबेट टू सेकेंड लास्ट अल्फ़ाबेट चेक करो। थर्ड अल्फ़ाबेट टू थर्ड लास्ट अल्फ़ाबेट चेक करो। फोर्थ अल्फ़ाबेट टू फोर्थ लास्ट अल्फ़ाबेट चेक करो। फिफ्थ अल्फ़ाबेट टू फिफ्थ लास्ट अल्फ़ाबेट चेक करो। और सिक्स अल्फ़ाबेट टू सिक्स लास्ट अल्फ़ाबेट चेक करो। सारे अल्फ़ाबेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, वो एज इट इज़ है, बट उनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। मतलब सबसे पहला पैटर्न है फर्स्ट टू फर्स्ट देखना और दूसरा पैटर्न है फर्स्ट टू लास्ट देखना। अब इसमें मैंने ऑर्डर चेंज नहीं करवाया है, अब ऑर्डर चेंज हो तो आपको चेंज करने का, सही है ना। फिर ऐसा नहीं कि सर ने नहीं दिखाया तो ऑर्डर चेंज हम नहीं करेंगे, ओके। सो इसमें भी लॉजिक हो सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकते हैं, बट ये सिंपल है जनरल। अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट टू फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें मैचअप ना मिले तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट टू लास्ट अल्फ़ाबेट आएगा। मान लो कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट टू लास्ट अल्फ़ाबेट भी ना मिले तो हमें जाने का थर्ड हमारी पॉसिबिलिटी पे, थर्ड टाइप क्या है, इन सर्टेन कोड जंबल इज रिटन एज एन यू के एफ एल सी। जो भी वर्ड है उसका जो भी कोडेड फॉर्म है उसके जस्ट बिलो ही लिखना है। अब मान लो कि फर्स्ट टू फर्स्ट अल्फाबेट हमें ना मिला, फर्स्ट टू लास्ट भी लॉजिक ना मिला, तो हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड होगा उसको दो हिस्सों में बांट देंगे। अब ये वर्ड की लेंथ इवन है, मतलब 6 अल्फाबेट का वर्ड है इसलिए इवन लेंथ हुई, तो ये दो दो हिस्सों में बराबर बट गया।
अगर लेंथ ऑड होती तो ये दो हिस्सों में बराबर नहीं बंटता, तो मिडल वाला अल्फाबेट को हम कांस्टेंट बना लेते और लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आएंगे तब बता दूंगा। अब मैंने जैसे ही डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जे का के में कन्वर्जन हो रहा है। जे के कब बनेगा, जे 10 नंबर पे है, के 11 नंबर पे है, मतलब वो +1 के लॉजिक के साथ आगे बढ़ा। यू में कोई बदलाव नहीं आया और एम का एन में कन्वर्ट हो गया, एम 13 पे है और एन 14 पे है, तो ये भी +1 हो गया। सिमिलरली सेकेंड हाफ पे देखते हैं बी का क्या कन्वर्जन हुआ, सी में कन्वर्जन हुआ मतलब +1 कंसिडर करेंगे, एल में कोई बदलाव नहीं आया और ई में क्या बना, एफ। ई एफ कब बनेगा, जब एक ऑर्डर से आगे बढ़ेगा तब। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीन पैटर्न में कोई डाउट नहीं होगा, ये बेसिक पैटर्न है। याद रखना इस पैटर्न से कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो ही जाएगा, गारंटी है। ओके, ये था फर्स्ट टू फर्स्ट चेक करना, ये था फर्स्ट टू लास्ट चेक करना, या तो फिर डिवाइड करो और इंटरचेंज में चेक करो, सही ना। इसमें एक और वेरिएंट भी है, जैसे कि मैं आपको एक चौथा एग्जांपल देता हूं जिसमें अगर बात करें इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैंकर इज रिटन एज एल एफ एस सी बी ओ। अब लैंग्वेज तो यही है, मतलब पैटर्न तो यही है। बैंकर का क्या करना है हमें, बैंकर कोडेड हुआ है एल एफ एस सी बी ओ, तो अगर फर्स्ट टू फर्स्ट ना मिले, फर्स्ट टू लास्ट ना मिले, डिवाइड करके इंटरचेंज ऐसे करें तो भी ना मिले, तो एक बार ध्यान रखने लगा हमने डिवाइड किया ना, तो इस पार्ट का कोडेड फॉर्म यहाँ भी वो लोग रख सकते हैं। मतलब ये देखो बी का किस में कन्वर्जन हो रहा है, सी में मतलब +1 हो रहा है, ए का किस में हो रहा है, बी में, तो मतलब +1 हो रहा है, एन का क्या हो रहा है, ओ, मतलब +1 एन के बाद होता है ना, सही ना, तो ये सारे +1 ऑर्डर में हैं। सिमिलरली के का क्या बन रहा है, एल, के एल कब बनेगा, के 11 पे, एल 12 पे, मतलब वो भी +1। ई क्या बन रहा है, एफ, ई एफ कब बनेगा, वो भी +1, और आर क्या बन रहा है, एस, तो आर भी +1। तो हमें जो भी वर्ड दिया है उस पर सेम लॉजिक अप्लाई कर देने का, पता चल गया। तो फर्स्ट टू फर्स्ट लॉजिक ना मिले, फर्स्ट टू लास्ट ना मिले, डिवाइड करके ऐसे इंटरचेंज करें तो भी ना मिले, तो इस पार्ट का लॉजिक यहाँ हो सकता है तो चेक कर लेने का। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रिवर्स, सही है। ठीक है, चलिए, अगर ये चार पैटर्न से भी आपको लॉजिक ना मिले तो हम नेक्स्ट पैटर्न, पांचवी पैटर्न भी है जहां पे कर सकते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्क्वायर इज रिटन एज अनरीडेबल फॉर्मेट में है, जो भी कोड है उसकी कोडेड फॉर्म नीचे लिख देने की, स्क्वायर कुछ ऐसी तरीके से लिखा जा रहा है, तो करना क्या है, देखो फर्स्ट टू फर्स्ट ना मिला, फर्स्ट टू लास्ट ना मिला, डिवाइड करके इंटरचेंज करके भी ना मिला, इंटरचेंज डिवाइड करके रिवर्स करके भी ना मिला, तो समझ लो कि ये पैरिंग में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दो दो अल्फाबेट की पैर हो सकती है, मतलब मैंने इन दो की पैर बना दी, इन दोनों की पैर बना दी, सो यहाँ पे जैसे ही मैंने पैर बना दी मुझे लॉजिक सीधा दिख गया कि एस और क्यू का प्लेस इंटरचेंज कर दिया है, यू और ए का भी प्लेस इंटरचेंज किया है, आर और ई का भी प्लेस इंटरचेंज किया है। अब एग्जाम्पल में मैंने प्लेस इंटरचेंज नहीं किया, मतलब मैंने अल्फाबेट का ऑर्डर इंटरचेंज चेंज नहीं किया है, हो सकता है एग्जाम में आपका अल्फाबेट का ऑर्डर भी चेंज हो डिफिकल्ट बनाने के लिए, तो आपको वो ध्यान में रखने का, फिर ऐसा नहीं कि सर ने मतलब इंटरचेंज मतलब ऑर्डर चेंज नहीं बताया था तो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, आ सकता है भाई। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पैर दो दो की बनाई है, वैसे तीन तीन की भी बन सकती है, चार चार की भी बन सकती है, जैसे कि मैथमेटिक्स वर्ड है तो वो लंबा है तो चार की पैर भी बन सकती है, सही ना, रेफरेंस है वो वर्ड भी लंबा है तो तीन तीन की भी पैर बन सकती है, सो पैर बन सकती है, मल्टीपल पैर हो सकती है, और ये पैर का जो कोडेड फॉर्म है वो अंत में भी हो सकता है, ये मिडल में, और ये मतलब इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में भी वो चीज़ हो सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखने की। मतलब अगर मैं बात करूँ सबसे पहला पैटर्न फर्स्ट टू फर्स्ट अल्फाबेट चेक करने का, दूसरा पैटर्न फर्स्ट टू लास्ट अल्फाबेट चेक करने का, तीसरा पैटर्न डिवाइड करने का और इंटरचेंज करने का, या तो डिवाइड करके रिवर्स में चेक करने का, चौथा पैटर्न, पांचवा पैटर्न पेयरिंग करने का और इंटरचेंज करने का, या तो पेयरिंग करके रिवर्स करने का। मान लो कि ऐसा करके भी आपको आंसर ना मिला, तब सिर्फ एक ही पैटर्न हो सकता है जो छठा पैटर्न है, और वो है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
रिव्यू इज रिटन एज आई वी ई आर वी डी, तो हमें दिए गए वर्ड की कोडेड फॉर्म बता दो, ऐसा बोल दिया जाएगा। तो इतने ही पैटर्न हैं। अब ये सारे पैटर्न से अगर लॉजिक ना मिले ना, तो ये समझ जाना चाहिए कि आपका पैटर्न जो लॉजिक है ना, वो रिवर्स ऑर्डर में है। और आपको अगर रिवर्स अल्फाबेट याद है तो आपको आसानी से हो जाएगा, जैसे कि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का डी, एच का एस, सही ना। और किसी को अगर ये पता नहीं चल रहा कि ये रिवर्स क्या है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख के आए, वहां पे मैं हमने अच्छे से बताया है कि रिवर्स अल्फाबेट को कैसे याद रखें, ट्रिक्स भी शेयर किए, तो आपको वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, आई के सामने क्या होता है, आर, सो आई का रिवर्स आर है, सो आर का रिवर्स आई होगा, दिख रहा है, इंडियन रेलवे हमने याद रखा था। ई के सामने वी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से याद रखा था, ई के सामने वी, वी के सामने ई, आई के सामने आर, इंडियन रेलवे, ई के सामने वी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और डब्ल्यू के सामने टी, हमने ड्यू से याद रखा था, ड्यू कोल्ड ड्रिंक है, ऋतिक रोशन की ऐड आती है, सही ना। सो रिव्यू का ये कन्वर्जेशन, इस पर कोई भी पैटर्न अप्लाई नहीं होगी, ना ही फर्स्ट टू फर्स्ट, ना ही फर्स्ट टू लास्ट, डिवाइड एंड इंटरचेंजिंग, डिवाइड एंड रिवर्स, पैरिंग एंड इंटरचेंजिंग, पैरिंग एंड रिवर्स, ये सारी पैटर्न नहीं लगेगी। जब भी रिवर्स होगा आपको डायरेक्ट रिवर्स अप्लाई करना होगा, सही ना। अब ये 6 ही पैटर्न है, इससे ज्यादा एक भी पैटर्न नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इससे ज्यादा पैटर्न है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं भी कुछ सीखूंगा अगर आपके पास कोई पैटर्न है तो। और अगर इससे डिफरेंट एक पैटर्न है तो वो पैटर्न नहीं है, वो ये जो सारी पैटर्न है इन सभी का कॉम्बिनेशन से बन सकती है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इन अ सर्टेन कोड डिजाइन डिजाइन इज रिटन एज टी एफ ई आर टी एम। अब इसमें क्या होगा, दो फॉर्म का एक ही में यूज होगा, दो लॉजिक एक ही में होंगे। जैसे कि मैं इस वर्ड को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डी ई बन रहा है। डी ई कब बनेगा, जब वो +1 ऑर्डर जाएगा, डी का नेक्स्ट ऑर्डर ई है। ई एफ बन रहा है, ई एफ कब बनेगा, जब वो +1 ऑर्डर में जाएगा, मतलब ई का नेक्स्ट अल्फाबेट एफ है। एस टी बन रहा है, एस टी कब बनेगा, वो भी +1 होगा, एस का टी, ये रहा S19 और T20। सो पहले हाफ पे इंटरचेंजिंग हो रहा है और +1 हो रहा है, जबकि सेकेंड हाफ की बात करूँ ना तो आई का आर मतलब ये रिवर्स अल्फाबेट है, जी का टी मतलब ये भी रिवर्स अल्फाबेट है, और एन एम ये भी रिवर्स अल्फाबेट है। तो फर्स्ट हाफ पे लॉजिक क्या लगा, रिवर्स ऑर्डर का, और सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ पे इंटरचेंजिंग का लगा और सेकंड हाफ पे रिवर्स का लगा। सो ऐसे कोई भी पैटर्न का यूज करके वो लोग हाइब्रिड मेथड यूज कर सकते हैं। सो हाइब्रिड मेथड पूछी जाए तो आपको ध्यान रखने का, वैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप कुछ 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको सारी पैटर्न रिकॉर्डेड हो जाएगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बेसिक पैटर्न क्या है। सबसे पहला, ऐसा कोई भी सम आए क्या चेक करने का, फर्स्ट अल्फाबेट टू फर्स्ट अल्फाबेट। अगर लॉजिक नहीं मिलता तो फर्स्ट अल्फाबेट टू लास्ट अल्फाबेट चेक करो, अगर लॉजिक उससे भी नहीं मिलता तो डिवाइड करो और इंटरचेंजिंग करके देखो, अगर लॉजिक उससे भी नहीं मिलता तो डिवाइड करके रिवर्स करके देखो, अगर लॉजिक उससे भी नहीं मिलता तो पैर बनाओ और इंटरचेंज करो, या तो पैर बनाओ और रिवर्स करो, और अगर लॉजिक उससे भी नहीं मिलता तो आपको रिवर्स अल्फाबेट का ऑर्डर पता ही चल जाएगा, और हाइब्रिड होगा तो वो भी आपको पहचानना होगा। वो कैसे पहचानेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के पूछे गए सम एग्जाम्पल, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।